नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में रविवार 19 अप्रैल दोपहर 3:30 बजे तक क्या घटा ये हम आपको बताते हैं। इंदौर में पुलिस अधिकारी का निधन हुआ है। भोपाल में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ रही है। वैसे तो बीते दो दिन में नए पॉजिटिव केसेस की तादाद घट रही है और नेगेटिव रिपोर्ट की तादाद बढ़ रही है। कुल मिलाकर प्रदेश में स्थिति में सुधार दिख रहा है। शनिवार को इंदौर व धार में 9 एवं जबलपुर में 5, इटारसी में 2 मरीज सहित कुल 29 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में मरीजों की नई अद्यतन सूची जारी होने के बाद कुल मरीजों की तादाद 1350 हो गई है। इसके अलावा कोरोना सलाहकार मंडल में राजनीतिक संबंधों को तरजीह दिए जाने के आरोप मध्य प्रदेश मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन MTA के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल और डॉक्टर राकेश मालवी ने लगाए हैं। एक अखबार की वेबसाइट की खबर के अनुसार उन दोनों पदाधिकारियों का कहना है कि नए गठित कोरोना सलाहकार मंडल में राजनीतिक संबंधों को तरजीह दी गई है। सरकार द्वारा बनाए गए इस मंडल में शासकीय चिकित्सा शिक्षक संघ व स्वास्थ्य विभाग के किसी चिकित्सक को शामिल नहीं किया गया है, जिस पर इनके द्वारा आपत्ति जताई गई है। इसके अलावा एक और खबर, स्वास्थ्य विभाग पुलिस व जमातियों में किसने कोरोना फैलाया, एक अखबार की वेबसाइट की खबर है। ऑफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि राजधानी में स्वास्थ्य विभाग में इसका आंकड़ा 100 को स्पर्श करने के लिए बेताब दिख रहा है। अब तक स्वास्थ्य विभाग के 97 स्वास्थ्यकर्मी, 25 पुलिसकर्मी और 23 जमाती कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनको आखिर किसके संपर्क में आने से ये कोरोना संक्रमित हुए हैं, इस बारे में बहुत बारीकी से पड़ताल की जा रही है। ऑफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसकी तलाश की जा रही है, ऐसा वेबसाइट का कहना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा ये एक घोषणा की गई है कि कोरोना-19 संक्रमण रोकने में लगे निजी चिकित्सा कर्मियों का भी बीमा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सकों से चर्चा की। प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण की लड़ाई में सीधे रूप से लगे निजी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों का भी शासकीय चिकित्सा कर्मियों की तरह 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण रोकने के लिए निजी चिकित्सकों के आग्रह पर यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने निजी चिकित्सकों को कोरोना संक्रमण की इस लड़ाई में उनके हौसले एवं सहयोग के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। मुख्यमंत्री के द्वारा निजी चिकित्सकों से अपील भी की गई है कि वे भी इस कोरोना की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी अवश्य दिखाएं। मध्य प्रदेश की खबरें हम अगले बुलेटिन में फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।